जय जिनेन्द्र, क्या आप जानते हैं कर्नाटक का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? आज यहाँ मैं कर्नाटक स्टेट के कूर्ग प्रदेश में आई हूँ। इस ये जगह स्विट्जरलैंड से कम मानी नहीं जाती है इंडिया में। तो चलिए, यहाँ पे हमारे जैन समाज के कई लोग रिसोर्ट घूमने आते हैं, फिरने आते हैं। यहाँ पे जितने भी रिसोर्ट हैं, ज़्यादातर रिसोर्ट में वेज नॉनवेज की व्यवस्था होती है। तो आपने कभी सोचा है कि यह हमारे लिए सही है या नहीं? बहुत सारे जैन लोग जो जिनको मंदिर और पूजन का नियम रहता है, आपने कभी सोचा है उनको कितना मुश्किल होता होगा ऐसे जगह पे आना और घूमना फिरना और बिना प्रभु दर्शन के? तो चलिए, आज हम आपको इस चीज़ का सोल्यूशन देते हैं। यहाँ कूर्ग प्रदेश में कर्नाटक की धन्य धरा पर बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, श्री जिरावला पाशनाथ धाम। यहाँ पे भगवान की मूर्ति चेन्नई से प्रतिष्ठित करवा कर यहाँ पे छोटे से घर मंदिर में विराजमान किया गया है और बड़े से मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू है। यह जगह का निर्माण एवं भगवान की प्रतिष्ठा श्री आचार्य भगवान नये चंद्र सागर सुरीश्वर जी एवं अजी चंद्र सागर जी महाराज एवं आदि थाना के निशान में हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ का वातावरण कितना शांत, कितना सौम्य है। यहाँ पे हर जगह हरियाली ही हरियाली है। यह जगह कोई रिसोर्ट से कम नहीं है। और आपके लिए, आपके उचित व्यवस्था के लिए मैं आपको यह भी बता दूँ कि यहाँ पे बिल्कुल रिसोर्ट जैसे ही कॉटेजेस बनने वाले हैं और यहाँ पे रहकर भी आप एकदम रिसोर्ट वाली फीलिंग में आराम से रह सकते हैं। और यहाँ पे मंदिर के अलावा भोजन की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। और उसके अलावा यहाँ पे भोजन शाला की सिस्टम भी यही है कि यहाँ पे ना तो रात्रि भोजन होगा 6 बजे के बाद और ना ही सुबह 6 बजे के पहले किचन खुलता है। तो यहाँ पर बिल्कुल जैन तरीके से जिनको बिल्कुल ही सही मायने में छुट्टियाँ बितानी है, यह जगह आपके लिए सबसे बढ़िया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर रहने के लिए फ़िलहाल रूम वगैरह तैयार की गई है। रूम, बाथरूम सब कुछ अंदर ही है। और उसके अलावा ऊपर की तरफ जैसे आप जाएंगे, आप देख पाएंगे कि जगह जगह पे काम शुरू है। थोड़े ही कुछ ही महीनों में यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे कॉटेजेस और सबसे ऊपर भगवान का मंदिर का कार्य जो शुरू है अभी कुछ ही महीनों में संपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे जब आप आएंगे आपको ऐसे फील होगा जैसे आप भगवान के दर्शन करने जाएंगे। आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आप कोई तीर्थ या आए हैं या फिर आप कोई पालितना चढ़ रहे हैं या गिरनार जी चढ़ रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे अंदर आना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे ही आप कूर्ग में सोंटीकोपा आएंगे, सोंटीकोपा से बिल्कुल अंदर सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे ही यह जगह है। जगह जगह पे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आने की व्यवस्था बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे श्री जिरावला पाशनाथ भगवान जी का मंदिर आपको अभी मैं दर्शन कराऊंगी। आप देखिए कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर मूर्ति बनी हुई है। चलिए हमारे साथ। यहाँ पे जब आएंगे आपको यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे ही आप सोंटीकोपा में आएंगे, यहाँ पे जगह जगह पे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, श्री जिरावला धाम कूर्ग इसी नाम से यहाँ होर्डिंग लगे हुए, अब आप बहुत ही आराम से अंदर आ सकते हैं। चलिए अब हम मंदिर की दर्शन करेंगे। मंदिर का कार्य ऊपर थोड़ी सी ऊपर चालू है। यह तो सिर्फ एक घर मंदिर जैसे बनाया हुआ है और फिलहाल भगवान को यहाँ प्रतिष्ठित करके घर मंदिर में विराजमान किया गया है। जय तु पार्श्व, जय तु पार्श्व, जय जी रामला प्रभु, जगत धीश परम ईश चरण शीश देव भू। जय तु पार्श्व, जय तु पार्श्व, जय जी रामला प्रभु, दयानिधि कृपानिधि जगत विभूति विभु। विशुद्धतम विबुद्धतम विभूषणम विलक्षणम विशेषतम विरागतम विराटतम विनायकम प्रचुर प्रखर प्रबल प्रचंड प्रगत प्रभावदायकम परमपुरुष प्रसन्न प्रथम नमामि पाशुजिनवरम।
जीवन न संकट बधा दूर टळे जीना स्मरण थी मन तना वांछित सहु आवी मळे वांछित सहु आवी मळे जीना स्मरण थी आदि व्याधि ने उपाधि नाटके देवा श्री शंकेश्वर प्रभु ना चरण मा प्रेमे नमो चरण मा प्रेमे नमो पार्श्वनाथ छे जेनो नाम सहनो थाए कल्याण मने गमती एवी अद्भुत ए निशान चलिए अब मैं यहाँ पे आ पहुंची हूँ जीरावला धाम कुर्ग के मंदिर के कंस्ट्रक्शन साइट पर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इतनी अद्भुत इतना सुंदर तरीके से मंदिर बन रहा है। और यहाँ पे और एक चीज़ नोट करने लायक है, यहाँ पे मंदिर तो बन रहा है लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि यहाँ के कोई भी पेड़ को काटा नहीं जाए। और उसके बीचों बीच जो ये मंदिर बन रहा है, ऐसे लग रहा है हम देवरूप में आ पहुँचे हैं। अभी ये लग रहा है तो बाद में तो पता नहीं, जब मंदिर की प्रतिष्ठा होगी और जब मंदिर का काम पूरा होगा तो पता नहीं किस लेवल का ये मंदिर दिखेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे बहुत से शिल्पकार काम कर रहे हैं, एक साथ जुड़े हुए बहुत से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी शिल्पकार का काम देख रही हूँ, मुझे यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर आप कभी भी कुर्ग में आ रहे हो तो यहाँ पे बिना आए मत जाइएगा, यह जगह देखने लायक है। यहाँ के शिल्पकारों का काम देखकर मुझे खुद यह एहसास ऐसे फील हो रहा है जैसे कि मैं खुद वस्तुपाल तेजपाल के ज़माने में आ पहुँची हूँ। तो आज का यह वीडियो जो जीरावला तीर्थ धाम कुर्ग पर बना हुआ है यहीं पे संपूर्ण करती हूँ और आशा रखती हूँ कि आप सब यहाँ जरूर जरूर पधारेंगे। थैंक यू। देवा श्री शंकेश्वर प्रभु ना चरण मा प्रेमी।